रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान धनंजय चौहान पुत्र लालाजी चौहान निवासी चक्की मूसा डीहा थाना मधुबन जनपद मऊ के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का एक ट्रैक्टर 500 ईंट BS मार का बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 12 सितंबर को थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर स्थित केनरा बैंक तारामंडल के पास से एक ईंट लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में थाना रामगढ़ताल पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि SSP के द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 का पुरस्कार दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक शीर्ष कुमार शर्मा, राज कपूर, विजय कुमार गौड़, हेड कांस्टेबल ऋषि मुनि चौधरी, संदीप कुमार, महिला कांस्टेबल प्रियंका जया शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, मतलब उठाना ये इजीएस है। आया भाई इधर आया तुम बस मतलब जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा खुलासा किया गया है। जनपद में 11 एवं 12 की जो रात्रि थी उसको 2:20 पर पकवान रेस्टोरेंट के बाहर तारामंडल रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा था ईंटों से भरा हुआ, जो दिन में ईंट ना बिक पाने के कारण वहीं खड़ा रह गया था। उसको लावारिस स्थिति में देख के एक चोर ने उस ट्रैक्टर को वहां से चालू कर फिर वो चोरी करके ले गया। पुलिस द्वारा बाद में अगले दिन जब पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह का ट्रैक्टर चोरी हुआ है, तत्काल 2 टीमें गठित कर एक उप निरीक्षक विजय गौड़ एवं उप निरीक्षक राज कपूर के नेतृत्व में दोनों टीमों द्वारा CCTV खंगालने शुरू किए। उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले जो कि क्योंकि ये पूरा खुलासा CCTV बेस्ड है और बहुत ही अच्छा खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है, इसमें पाम पैराडाइज नाम की जगह पे पहली बार ये ट्रैक्टर इसमें जाता दिखा। उसके बाद में फिर बचपन स्कूल खोराबार वहाँ पर भी ये ट्रैक्टर जाता दिखा, इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली। और देवरिया बाईपास रोड पर नायरा पेट्रोल पम्प है उस पर भी ये ट्रैक्टर जाते हुए दिखा, उससे क्लैरिटी हो गई कि ट्रैक्टर गोरखपुर से देवरिया की तरफ लेके निकला है अपराधी। बाद में चोरी चोरा में भी फुटेज दिखाए गए एवं चोरी चोरा के बाद में गोरी बाजार देवरिया के अंदर वहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा। वहाँ पेट्रोल पंप पे अभियुक्त का जो फ़ोटो जो पुलिस को पहले ही मिल चुका था, उस अभियुक्त के फ़ोटो के आधार पर पतारसी सुरागरसी की गई और इस अभियुक्त की फ़ोटो के आधार पर किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ एक व्यक्ति 200 रुपये का तेल भराने के लिए पहले आया था एवं बाद में वो इसने पूछा कि QR कोड के आधार पर भी क्या पेमेंट हो सकता है। वो पता करने पर 995 रुपये का एक QR कोड का पेमेंट किया गया, जिसको पुलिस ने पूछताछ में बताया कि 995 रुपये का पेमेंट किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्लू पुलिस के लिए था, इसके आधार पर पुलिस ने आगे भी छानबीन की कि ये किसका वॉलेट है, किसके वॉलेट से आया है। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तब उसने बताया कि मुझे किसी व्यक्ति ने नौकरी पर जाने के नाम पर 995 रुपये का पेमेंट टिकट बुक करने के लिए कहा था, उसके लिए मैंने पेमेंट किया है। उसके बाद में पुलिस उस तह तक पहुंची और जिस व्यक्ति ने उससे पेमेंट कराने के लिए कहा था उसके माध्यम से पे जो मुख्य अभियुक्त है उस अभियुक्त को फिर पुलिस ने धनंजय चौहान उसके घर तक का पता लगाया, जो कि उसके लिए पुलिस ने 36 कैमरे
करीबन 120 किलोमीटर की दूरी तय करके पता किए हैं। और जब अभियुक्त के घर पे गए तो ये बीआरएस हॉलमार्क की जो ईंटें हैं 500 ईंटें पड़ी थी, जो कि जो दो जो ईंटों के मालिक है उसके द्वारा भी बताया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो अभियुक्त के पिता ने बताया कि ईंटें मैंने खरीदी है, और ट्रैक्टर की सख्त पूछताछ करने पर उसने बताया कि चोरी कबूल की उसके बेटे द्वारा, और उसने भी खुद चोरी के द्वारा छिपाए गए ट्रैक्टर को घर में वो दिखाया गया। अभी फिलहाल पुलिस द्वारा इस गुड़वर्क के लिए एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का एवं 500 ईंट बरामद की गई है, और इस गुड़वर्क के लिए पुलिस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा 20,000 रुपये के इनाम से भी इस टीम को नवाजा गया है। चोरी करने में एक ही व्यक्ति शामिल था, और उस व्यक्ति धनंजय चौहान नाम का व्यक्ति है। पुलिस की टीम अभी भी लगी है धनंजय चौहान को गिरफ्तार करने के लिए, एवं धनंजय चौहान के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एवं इसमें जब उसको पकड़ा जाएगा तब और भी खुलासे आगे किए जाएंगे। पिता का रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, जब कोई चोरी का जो सामान है वो उसके पास है, उसने अपने आप को उसको ऑन किया और खुद द्वारा खरीदा जाना बताया गया। यह इस अभियुक्त के ऊपर पूर्व में ट्रैक्टर चोरी के मुकदमे हैं, और ये एक अभ्यस्त ट्रैक्टर चोर प्रतीत होता है। थैंक यू।